लोकसभा के चुनाव के बाद दिल्ली में कांग्रेस की ये पहली रामलीला मैदान की रैली थी। इस रैली में जो कांग्रेस का गुस्सा दिख रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा देश की जनता पे निकाल रहे हैं। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह जनता ने निराश किया उसके वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी का कहना कि मैं सावरकर नहीं हूं, हां राहुल जी आप सावरकर नहीं हो सकते, सावरकर होने के लिए देश के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। वीर सावरकर ने तो इस देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी तब वो सावरकर बने। और जिस तरह की बयानबाजी हुई है, जिस तरह कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, पूरे देश के अंदर दुष्प्रचार करने का काम कर रही है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर या अन्य चीजों पर, ये पूरी तरह से दुर्भाग्य।